देखिए, आज के आखिरी बजट से मुख्यमंत्री जी के और इस सरकार के आखिरी बजट से बहुत से लोगों को उम्मीदें थी, मगर इसमें सब लोगों को खुश करने की तो प्रयास किया गया है, मगर जिस तरीके से वित्तीय प्रबंधन हर वर्ग के लिए करवाना चाहिए था उसमें ये सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। एक आपने जो है मुफ्त जो एक गैस का चूल्हा एक और बढ़ा दिया, वो सिर्फ पिछली बारी जो इनको चुनावों में हार मिली है उसके मद्देनज़र रखते हुए उसकी आपूर्ति करने के लिए ये किया गया, मगर इससे भी प्रदेश की जनता खुश नहीं है क्योंकि महंगाई आज चरम सीमा के ऊपर है और उसके साथ साथ जो कर्मचारियों की मांगों को जिस तरीके से पिछले कल जो है प्रदर्शनकारी देखने को मिला उसमें भी आखिरी दौर पर जाके मुख्यमंत्री ने बजट पढ़ने के बाद जो है OPS की बात करी और उसके पहले कोई बात जो है वो OPS के बारे में नहीं हुई। और वैसे ही जो मानदेय कुछ थोड़ा थोड़ा है, चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे आशा वर्कर्स है, चाहे जलवाहक है, चाहे जल रक्षक है, पंप ऑपरेटर्स है, पैरासिटर्स है, उनका नॉमिनल मानदेय बढ़ाया है, उसका हम स्वागत भी करते हैं, मगर ये तो एक ब्यूरोक्रेटिक बजट के रूप में हर बजट में ये बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा हर उसमें बढ़ता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो एक विजन इस सरकार को रखना चाहिए था, हमको नहीं भूलना चाहिए कि आज भी 14 लाख बेरोजगार युवा प्रदेश के अंदर है, उसके लिए निजी इन्वेस्टमेंट में क्या किया सरकार ने, कितना निवेश आया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज की पीछे बात की गई कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री आए थे, कहते हैं कि उसमें करीबन 28,000 करोड़ का या 30,000 करोड़ रुपए उसमें आए, तो उसमें क्या रूपरेखा बनाई जा रही है, कितने युवाओं को उसमें रोज़गार दिया जा रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई, और हमारे बागवानों किसानों के लिए भी औपचारिकता के अलावा और इसमें कुछ ज़्यादा जो है देखने को नहीं मिल रहा है, करीबन 500 या 600 करोड़ रुपए जो है वो आपके बागवानों के लिए दिए गए हैं, मगर वो भी इस परिस्थिति में जब हमारे दो प्रोजेक्ट जो बड़े प्रोजेक्ट चाहे वो आपका वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट का है या चाहे शिवा है जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए होता है उसमें भी ये बहुत कम है, तो निश्चित तौर से मैं यही कह सकता हूँ कि ये सबको लुभाने की कोशिश की गई है, मगर जो वित्तीय परिस्थिति आज प्रदेश की बनी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी वर्ग आज प्रदेश सरकार से खुश नहीं है, चाहे वो बागवान है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे एम्प्लॉइज़ है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, सब लोग इस बजट से निराश है और इसका जवाब इनको इस साल के अंत में विधानसभा चुनावों में मिल जाएगा। सर, आउटसोर्स कर्मचारी राहत आ रहे थे कि कोई पॉलिसी बन जाए, ऐसी कोई जो है वो आज घोषणा नहीं हुई। दूसरी चीज़ राइडर हटाने को लेकर के बात की जा रही थी, वो भी आज नहीं जो है वो ये SMC टीचर्स पॉलिसी मांग रहे थे, वो भी नहीं हुआ है, इस पर क्या कहें? मैंने आपको कहा कि थोड़ी थोड़ी आपूर्ति सबके लिए की गई, मगर जहाँ तक पॉलिसी बनाने की बात थी उस पर कोई भी बात इस सरकार ने नहीं करी, चाहे वो OPS की बात है, चाहे वो आउटसोर्स की बात है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की बात है, चाहे और मसले थे, और राइडर के बारे में भी सिंगा जी ने भी हस्तक्षेप किया उसमें और कहा कि उस पर बात की जाए, पर उस पर भी कोई बात सरकार ने नहीं करी, तो निश्चित तौर से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए था। एक और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जो मांगे हैं उसमें कोई भी ध्यान ये सरकार नहीं दे रही है, जो बहुत दुर्भाग्य। OPS बहाली को लेकर के भी नहीं हुआ है कुछ, तो मैं कह रही हूँ OPS के बारे में सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट के बिल्कुल अंत में जाके जब उनको पर्ची पढ़ाई दिखाई और तब जाके उन्होंने उनके बारे में कहा, इतना बड़ा कल जो है प्रदर्शन हुआ उसके बावजूद कोई संवेदनाएं प्रदेश के OPS के लिए नहीं थी, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको राजस्थान सरकार से सीख लेनी चाहिए थी, और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने मादा दिखाया और उसको पूरा किया है, हिमाचल प्रदेश में भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए था।